हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और मैं आ चुका है आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स। और गाइस ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है जिनको थोड़ा बहुत खेलना नहीं आता है, ठीक है। और वो समझते हैं कि लोग इन्हें नूब क्यों कहते हैं यार। तो मेरे पास गाइस ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनको आप फॉलो करोगे तो यार बहुत ही जल्द आप प्रो प्लेयर्स की जैसे खेलने लग जाओगे, ठीक है। और कोई भी आपको बंदा ऐसे नहीं कह पाएगा कि आप नूब हो भाई। तो चलो गाइस आज के लिए आपके लिए ये वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो गाइस तो कर लेना सब्सक्राइब। तो चलो गाइस अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे आप तो चलो गाइस बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की। तो गाइस पहला पॉइंट है आपकी लैंडिंग, जो है कि आपकी लैंडिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए गाइस। और वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपके बिल्कुल आसपास भी यार बंदा ना उतर रहा हो। अगर ऐसा होता है तो क्या पता उसको आपसे ज़्यादा जल्दी गन मिल जाए और वो आपको वहीं पे किल कर दे। तो गाइस जितना हो सके पहले शुरू में एनिमी से दूर उतरना, ठीक है, और गन ले लेनी है। और आपको गाइस लैंडिंग ऐसी करनी है जैसे कि आप गन के ऊपर ही उतरो बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि अभी देख सकते हो आप कि मैं बिल्कुल गन के पास ही उतरा हूँ। तो चलो गाइस बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। तो गाइस हम बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट में अपने गन्स के ऊपर कि आपको गन्स कैसी यूज़ करनी है और कौन कौन सी गन्स आप यूज़ कर सकते हो गाइस। तो यार आपको टू डिफरेंट गन्स यूज़ करनी है पहली बात तो, ठीक है, एक शॉर्ट रेंज के लिए और एक लॉन्ग रेंज के लिए। क्योंकि यार बंदे का कुछ नहीं पता, आपके क्लोज में भी आ सकता है और आपसे दूर भी रह सकता है गाइस वो। तो आपको दोनों केसेस में गन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए यार पहले तो टू डिफरेंट गन्स रखा करो अपने पास, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रेंज की गन सिर्फ शॉर्ट रेंज ही कर सकती है। तो गाइस शॉर्ट रेंज में बढ़िया गन्स अपनी MP40 हो गई और एक शॉर्ट गन भी होती है गाइस, दोनों M10-14 और एक और आती है छोटी वाली। तो यार इन गन्स को आप रखना सीखो, ठीक है। अगर आप दोनों एक जैसे गन्स यूज़ करते हो तो इसको आप इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। इससे आप किसी भी एनिमी को यार मार सकते हो आसानी से अगर आपके पास स्किल्स है, ठीक है। तो चलो गाइस बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो गाइस थर्ड पॉइंट है अपना स्पीड के ऊपर कि कैसे आप अपनी मूवमेंट स्पीड को इनक्रीज कर सकते हो और बंदों को यार इजीली किल भी कर सकते हो इसकी हेल्प से आप। जैसे कि आपको बहुत सारे लोगों को यार नहीं पता रहता कि आप ज़्यादा तेज़ कैसे भाग सकते हो, वो सिर्फ जो लेफ्ट में जॉयस्टिक आता है उसको मूव करते रहते हो और चलते रहते हैं यार, वो बिल्कुल भी इस वाले बटन का यूज़ नहीं करते जो इसके ऊपर आता है। तो गाइस जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर आप उस बटन का यूज़ करते हो तो आपका यार कितनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है आपकी स्पीड, ठीक है। और जो मूवमेंट करते हो गाइस तो बहुत स्लो होते हो आप और ऐसे में आपको एनिमी किल कर सकता है यार। तो गाइस थर्ड पॉइंट अपना यही है कि आपको ये बटन यूज़ करना होता है जो रन वाला बटन है, ठीक है, इससे आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो गाइस चलो चलते अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर। तो गाइस फिफ्थ पॉइंट होने वाला अपना ग्रेनेड के ऊपर कि आपको ग्रेनेड कैसे यूज़ करना और कहाँ का यूज़ करना है। जैसे कि अभी मैं आपको एक स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि आप कैसे यार ग्रेनेड को यूज़ कर सकते हो। कुछ कुछ बंदे ऐसे सोफे के पीछे बैठ जाते हैं तो आप यार उनको बाहर निकालने के लिए ग्रेनेड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये गलत गया था मेरा, लेकिन फिर भी वो बाहर आ गया था और उसको डैमेज बहुत अच्छा खासा पड़ा था। तो गाइस ऐसे आप ग्रेनेड का यूज़ करके हर जगह सही सही जगह पर यूज़ करना आना होना चाहिए गाइस इसको, ठीक है, ग्रेनेड। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार जो ग्रेनेड और ग्लू वॉल का यूज़ करते ही नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको ग्लू वॉल का भी एक बता देता हूँ कि ग्लू वॉल यार आपकी कितनी हेल्प कर सकती है गेम प्ले को बेहतर करने के लिए और यार बुया के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है ग्लू वॉल, ठीक है। तो चलो गाइस बात करते हैं अपने सिक्स पॉइंट ग्लू वॉल के बारे में कि आपको ग्लू वॉल यार कहाँ का हेल्प करती है और कैसे हेल्प करती है। तो गाइस बात कर लेते हैं अपने ग्लू वॉल के बारे में कि ग्लू वॉल आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। पहले तो आप इससे कवर ले सकते हो और ऐसे गाइस आप एनिमीज़ को बाहर भी निकाल सकते हो सोफे के पीछे से, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो अभी बाहर निकली और इसको उड़ा दिया। तो ऐसे यार ग्लू वॉल का यूज़ भी बहुत बेहतरीन होता है। मैं ये टिप्स गाइस आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यार मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है कि वो ग्लू वॉरियर ग्रेनेड ले तो लेते लेकिन उनको इसका यूज़ नहीं करना आता है, ठीक है। तो गाइस यार मैं आपको दो कंडीशन और दिखा रहा हूँ कि जैसे कब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पहले लैंडमाइन है इसको हटा लेते हैं और गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है। जैसे कि ऐसे और ऐसे ग्लू वॉल का यूज़ हो सकता है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ये सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन यार ये है तब आपको ज़रूरत पड़ती है, आपकी पावर बहुत ही लो हो जाती है।
तो यहाँ पे देखना गाइस, अभी एक बंदा है यहाँ पे, ये मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा अभी, ठीक है। अभी आप देखना, तो अब ये यहाँ पे मेरी पावर बहुत ज़्यादा कम कर देता है यार, ठीक है। तो अभी मेरे को कवर की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ग्लू वॉल से अपनी कवर बना लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने कवर बना लिया, लेकिन ये यार बहुत जगहों पे बहुत बेकार भी रहती है, ठीक है। जैसे कि अभी इसने ये फेंका फ्लैश बैंग, इससे तो कोई नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रेनेड फेंक देता तो मैं फंस जाता, इसलिए आपके पास जब 4 या 5 ग्लू वॉल होगा इस तभी यूज़ करना, क्योंकि आप एक ही जगह पे 2-3 बारी ग्लू वॉल लगा दोगे तो यार आपको एक जगह खाली मिल जाएगी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे को अभी कवर मिली और मैंने अपनी पावर फुल कर ली। तो चलो गाइस बात कर लेते हैं अपनी 6 पॉइंट की। तो गाइस अपना 6 पॉइंट लूट बॉक्सेस के ऊपर कि आपको लूट बॉक्स कैसे लूटना है, ठीक है। तो गाइस बहुत सारे लोग सिर्फ खड़े हो जाते हैं और यार लूटना चालू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात होती है भाई। कोई भी आपको हेडशॉट सीधा मार सकता है, ठीक है, अगर इसको आता होगा हेडशॉट लेना। तो गाइस हमेशा आपको तब भी लूट करनी है तो आपको हमेशा घूमते रहना है अगल बगल में, जिससे कि यार आपके हेडशॉट लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाए और बंदा जहाँ तक हो सके आपको बस थोड़ा सा डैमेज दे पाए, जिससे कि आप जल्दी से ना कवर में जाके अपनी हेल्थ फुल कर पाए और उस बंदे को किल कर पाए गाइस। तो यार एक इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी लूट बॉक्स को लूटो तो यार हमेशा घूमते रहना, क्योंकि बंदा बताकर हेडशॉट नहीं मारता है। तो चलो बात करते हैं अपने 7th पॉइंट की। तो गाइस अपना 7th पॉइंट हेडशॉट के ऊपर कि आपको हेडशॉट देना चाहिए गाइस। जब भी आप किसी एनिमी को डैमेज देते हो उसके साथ साथ यार आप इसको एक हेडशॉट जरूर दिया करो, ताकि उसको उसकी पावर यार बहुत ही ज़्यादा लो हो जाए और फिर वो आपसे डर के भागने लगे और आप उसको किल कर दो। तो गाइस जैसे कि आप जानते हो, एकमात्र अभी बस ड्रैग शॉट ही है जिसको हम हेडशॉट मार सकते हैं जिससे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यार ड्रैग लेने की कोशिश करा करो, और अभी ड्रैग सबसे बढ़िया गाइस अपने लग रहे एक्समेट में, ठीक है। तो आप बेस्ट गन एक्समेट ले आ करो और इससे ड्रैग मारा करो गाइस, क्योंकि यार बंदे को पता भी नहीं चलता उससे पहले इसको हेडशॉट लग जाता है और इसका काम तमाम हो जाता है। तो यार यही था अपना 7th पॉइंट। चलो बात कर लेते हैं और 8th पॉइंट की। तो गाइस उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और यार अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी ज़रूर से करते हुए जाना, और अगर आप कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बढ़िया लगे तो गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। तो चलो बात करते हैं अपने 8th पॉइंट के बारे में। तो गाइस यार अपना 8th पॉइंट है कि आपको हमेशा पैन कटाना या यार परंग जो कि तलवार होती है एक तरीके से, उसको यूज़ करना, ठीक है। इसको इक्विप करके आपको हमेशा रखना है, क्योंकि यार ये चीज़ें बहुत काम आती है। अगर आपको बंदा जो एनिमी है पीछे से मारने की डैमेज देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ही काम की चीज़ होती है गाइस। जैसे कि आपको जो भी बंदा मार रहा है उसकी सारी गोलियाँ जो डैमेज देगा वो पैन को देगा और आप सेफ रहोगे गाइस। तो यार ये बहुत जगह काम आता है, ठीक है। तो गाइस ये था अपना 8th पॉइंट, जिससे कि आप एनिमीज से बहुत ही आसानी से बच सकते हो। और अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट 9th पॉइंट के बारे में गाइस। तो गाइस यार अपना लास्ट पॉइंट है कि आपको सेफ जोन के साथ रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। जैसे कि सेफ जोन तब भी बनता है, आपको तभी सेफ जोन में चले जाना चाहिए, क्योंकि यार अगर आप सेफ जोन में तभी नहीं जाओगे, अगर लास्ट में जाओगे तो हो सकता है यार बहुत बारी होता है मेरे साथ तो, ठीक है, स्पेशली कि बीच में ही बंदे मिल जाते हैं और इनसे यार फिर फाइट लेनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है और कभी कभार यार एलिमिनेट भी होना पड़ जाता है, ठीक है। तो यार इसलिए अपने सेफ जोन के साथ रहो, एक तो सही जगह मिल जाएगी जहाँ पे कोई बंदा नहीं होगा पहले ही, ठीक है, और कोई बीच में दिक्कत भी नहीं आएगी कि आप सेफ जोन में नहीं पहुँच पाए और एलिमिनेट हो गए पहले ही। तो यार सेफ जोन में रहना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है बुया के लिए, ठीक है। तो अगर आप इन 9 पॉइंट्स का ध्यान रखोगे गाइस तो आपको कोई भी एक नोबड़ा नहीं कह पाएगा यार, जो कि होता है बोट की तरह होता है बिल्कुल, ठीक है। और ये स्पेशली वीडियो उनके लिए थी जिनको खेलना नहीं आता है। तो गाइस अगर आपको आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करते हुए जाना। तो चलो गाइस हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।